शिरडी में सभी उत्सव बड़ी धूमधाम से सभी भक्त मनाते हैं, चाहे वह दीपावली हो या ईद। एक बार गांव वालों ने रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए सभी भक्त एकत्रित हुए और बाबा से आज्ञा लेकर श्री राजा राम का उच्च स्वर में जयकारा लगाकर कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन के साथ साथ गुलाल की वर्षा की गई, हर भक्त झूमने नाचने लगा। गुलाल की वर्षा हो रही थी, उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा क्रोध में होकर उच्च स्वर में अब शब्द कहने लगे, वह कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से सभी लोग भली भांति परिचित थे। भक्त भला इस अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्म है, अतः रावण का नाश का अहंकार दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित है।